पद्मावत मूवी का पुरजोर विरोध करने वाली करणी सेना के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म पद्मावत को लेकर एक अच्छा खासा ड्रामा देखने को मिला था और कुछ बड़बोले नेता जैसे कि सूरजपाल अमू को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। वहीं अब अचानक से करणी सेना के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म पद्मावत का विरोध करने वाली श्री राजपूत करणी सेना अब फिल्म पद्मावत का विरोध नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, करणी सेना फिल्म पद्मावत का विरोध नहीं करेगी। शुक्रवार को करणी सेना ने घोषणा की है क्योंकि फिल्म में राजपूतों की वीरता को दर्शाया गया है, इसलिए अब करणी सेना ने यह फैसला लिया है कि करणी सेना फिल्म पद्मावत का विरोध नहीं करेगी। श्री राष्ट्रीय राजपूती करणी सेना के नेता योगेंद्र सिंह कटारा ने कहा कि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह के निर्देश के बाद ऐसा किया गया है। सेना के कुछ सदस्य ने मुंबई में शुक्रवार को फिल्म देखी और पाया कि फिल्म में राजपूतों के बलिदान और उनकी वीरता को वर्णन किया गया है। हर राजपूत को इस फिल्म को देखने के बाद गर्व ही महसूस होगा। वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि करणी सेना के नाम पर कुछ शरारती तत्व माहौल को बिगाड़ने और करणी सेना की छवि खराब करने के इरादे से लगातार सक्रिय थे और फिल्म देखने के बाद करणी सेना के नेताओं ने अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए ये अहम फैसला लिया। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।